हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों अभी मैं मीन और हमारे जो टॉमी हैं, हम जा रहे हैं भाई एनिमल हॉस्पिटल में, क्योंकि हम जो अपने टॉमी को ना वैक्सीन दिलवाने के लिए जा रहे हैं। सो गाइस, हम तो आए थे यहाँ पर वैक्सीन लेने के लिए, लेकिन देखिए अभी यहाँ पर वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें जाना पड़ रहा है वापस घर। और अभी थोड़ी देर जब वैक्सीन आ जाएगी हमें फ़ोन कर दिया जाएगा, उसके बाद हम वापस आएंगे पर वैक्सीन लेके और टॉमी को वैक्सीन दिलवा देंगे। सो गाइस, अभी हम घर पहुँच गए थे और अभी हम निकल रहे हैं पानी की जो बिस्लेरी आती है, पानी पीने के पानी की बोतल लेने के लिए जा रहे हैं भाई, क्योंकि पीने का पानी घर पे नहीं है। सो अभी जल्दी से हमें निकलना चाहिए और रास्ते में हम अपने जो तेजस की सीरीज चैनल है उसके वीडियोस के लिए अलग अलग लिंक्स भी वहाँ से हम उठाएंगे और अटैच करने के लिए वहाँ पर भी कुछ शूट वगैरह हम कर लेंगे। सो गाइस, अभी देखिए हम यहाँ पर अपना शूट करने के लिए आए थे और यहाँ पर देखिए भाई कितनी हवा चल रही है। आज ना स्टॉर्म का बहुत ज़्यादा अलर्ट है ना, तो इस वजह से यहाँ पर देखिए यार कितनी ज़्यादा हवा चल, वो जो कोकोनट ट्री है ना सारी की सारी बहुत ज़्यादा हिल रही है। ये देखिए ये जो पेड़ पौधे हैं ना साथ में, ये भी बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं। कैसे आ गई दिवाली? ये फूटते हैं। अच्छा, ये देखिए गाइस, तक्ष के लिए यहाँ पर दिवाली आ गई है। और देखो यहाँ पर ये जो फूल होता है ना, इसमें से आवाज आती है, इसे अगर दबाते हैं तो। कौन सा है? मैं भी एक करके देखूं भाई। ये देखिए, ये इसने तो सारे के सारे फोड़ दिए। हाँ देखो अभी, अरे मेरा तो पुचकू निकला भाई। ये वाला ट्राई करते है। अरे ये भी पुचकू निकले, ये ठीक है, यहाँ से करते। अरे फूटा फूटा फूटा, आपको आवाज आई क्या गाइस? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। अरे इसमें आवाज नहीं आई, चलो इसमें ट्राई करते हैं। आवाज आई गाइस, हम तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से भाई, हमारा शूट हो गया कंप्लीट, अभी निकल रहे हैं। चालू बरसात में, मतलब चालू बरसात तो नहीं है लेकिन बारिश आने वाली है, अभी थोड़ी देर में आने वाली है भाई, जल्दी से निकलते हैं। घर आ चुके हैं पानी की बिस्लेरी बोतल लेकर, और अभी इसे तुरंत हमें खाली करके वापस लौटाना भी है, तो इसे खाली कर देते हैं। तो अभी इस जाली की मदद से हम इसको पानी को इसमें डालेंगे, ताकि कोई कचरा हो तो वो भी बाहर निकल जाए। तो गाइस, एक डिब्बा तो भर चुका है, अभी इसमें हम डालेंगे। तो गाइस, हमने पूरी बोतल खाली कर दी है, अभी इसे वापस लौटाने के लिए चलते हैं। सो गाइस, लंच में है उलद की दाल, रोटी, अचार आम का है, एक गुंदे का है, मिर्ची और आम। हे गाइस, अभी देखिए शाम का वक्त है और भाई जो आज स्टॉर्म बढ़ने की जो भी बात कही गई थी न्यूज़ में, तो वैसा ही कुछ हो रहा है। अभी देखिए स्टॉर्म धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और जो मांडवी यानी कि कच्छ साइड ना बहुत ज़्यादा स्टॉर्म है यार,
हमारे साइड ना कुछ मान लो कि 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड में जो आने वाला पवन होता है ना, बस वही गति से हमारी साइड पवन आ रहा है। तो वैसी बात हुई, अभी देखिए इतना ज़्यादा अभी हुआ नहीं, लेकिन थोड़ी बारिश की छांटे भी अभी नीचे आ रहे हैं और थोड़ी देर में भाई स्टॉर्म भी आने वाला है, क्योंकि ये देखिए बारिश बहुत ज़्यादा आने लगी। अभी हमें लगता है हमें घर के अंदर तुरंत जाना चाहिए, और अभी स्टॉर्म भी आने वाला है, तो भाई लाइट भी चली गई, अभी से चली गई, ताकि ना कुछ शॉर्ट सर्किट का जो भी खतरा होता है वो ना हो। तो अभी फिलहाल गाइस मैं, पापा, हम सब यहाँ पर बाहर बैठे हैं, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और दूर अगर हम देखें ना, शायद मैं आपको कैमरे से ना दिखा पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ पर ये जो दूर का ये जो कोकोनट ट्री है, वो देखो कैसे हिल रही है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हिल रही है। देखिए मतलब आपने देखा कि भाई बहुत ज़्यादा स्टॉर्म चल रहा है, समंदर के एरिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉर्म है। अभी धीरे धीरे हवा इधर भी तो आएगी, क्योंकि हवा इधर ही आ रही है, तो इधर ही आएगी। अभी देखते हैं क्या रह रहा है ये इफेक्ट। गाइस अभी मैं और तक्स आए हैं यहाँ पर बस स्टेशन पे। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर अभी जो स्टॉर्म का एटमॉस्फेयर है वो कैसा है। वैसे तो आप देख सकते हैं कि चारों ओर भाई बहुत ज़्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। ज़रा भी थका नहीं सकता हमें ये एटमॉस्फेयर, लेकिन ये जो साथ में स्टॉर्म की जो स्थिति है ना, ये धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ती जा रही है। वैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो पेड़ है वो कैसे हिल रहे हैं, वो देखिए जो पेड़ है ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से हिल रहे हैं। तो ये देखिए गाइस, ये जो हवा चल रही है, देखिए ये पेड़ कैसे हिल रहे हैं। देखिए गाइस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ये पेड़ हिल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा तेज़ हवा है। तो वैसे हवा की वजह से हमारे बाल तो भाई ऑलरेडी बिखरे हुए हैं, और यहाँ पर देखिए क्या क्या हुआ है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ पे जो बोर्ड्स ना, ये पहले यहाँ पर ऐसे लटके हुए थे, लगाए हुए थे, लेकिन अभी ये यहाँ पर नीचे गिरे पड़े हुए हैं। भाई जो स्टॉर्म है ना, उसकी वजह से यहाँ पर ये बोर्ड भी गिर गए हैं। बाकी मैं और तक्स तो यहाँ पर आराम से भाई मज़े कर रहे हैं इस ठंडी हवा में, लेकिन स्टॉर्म ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए गाइस, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी है। बहुत सारे लोगों के घर भी गिर जाते हैं, और बहुत सारा नुकसान होता है, और समंदर का पानी भी, आप समझ सकते हैं कि जो समंदर का एरिया होता है, हमारा घर तो वैसे भी समंदर के मतलब सिटी में ही है, तो मांगरोल एक पोर्ट है, तो यहाँ पर समंदर है, जिसकी वजह से अगर स्टॉर्म बढ़ा तो समंदर का पानी आ सकता है बाहर। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर ये स्टॉर्म ज़्यादा ना बढ़े। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो पेड़ है वो अपनी पत्तियाँ कैसे हिला हिला कर बोल रहा है कि भाई स्टॉर्म आ रहा है, स्टॉर्म आ रहा है, स्टॉर्म आ रहा है। गाइस देखिए जो ठंडी हवा आ रही है ना, वो देखिए बहुत मस्त हवा है गाइस, रियली बहुत मज़ा आ रहा है ना भाई, बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन यार स्टॉर्म नहीं बढ़ना चाहिए, बस ऐसे जो नुकसान होता है ना वो ना होना चाहिए। और देखिए स्टॉर्म की वजह से यहाँ पर सारी की सारी बसें को यहाँ पर ऐसे ही रखा गया है, कोई भी बस यहाँ पर कोई भी रूटीन में नहीं जा सकती, बहुत ज़्यादा स्टॉर्म बढ़ने वाला है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पेड़ है वो भी कैसे हिल रहे हैं, ये देखिए गाइस, वो वाओ गाइस, देखिए देखिए मेरा मोबाइल भी हिल रहा है, देखिए तक्स भी वहां पर खड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई पब्लिक भी नहीं है, बस दो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो भी अपने चिल के लिए, बाकी यहाँ पर कोई भी पैसेंजर्स नहीं है गाइस, कोई भी मुसाफिर नहीं है, जाओ जहाँ पर जाना चाहते हैं कोई भी कहीं भी नहीं है, क्योंकि ये जो स्टॉर्म है ना, ये जो पेड़ पौधे आप देख रहे हैं हिल रहे हैं, ये जो स्टॉर्म है इसकी वजह से अभी ना कोई कहीं पर जाने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए गाइस, तक्स तो यहाँ पर गुलमोहर, यहाँ पर ये जो गुलमोहर है ना, तो उनके जो फ्लावर्स है वही खाने में लग गया है। तो देखिए गाइस अभी ये मुझे भी खाने के लिए दे रहा है, चलिए हम भी चखते हैं, वैसे तो फ्रेश है, कोई दिक्कत नहीं है, खा सकते हैं हम, खट्टा खट्टा है। ये देखिए गाइस, बारिश शुरू हो गई, आपको छाटे गिरते नजर आ रहे होंगे।
गाइस देखिए अभी यहाँ पर ये पंखा घूम रहा है, लेकिन ये कोई लाइट की वजह से तो नहीं घूम रहा है गाइस, क्योंकि ना ही यहाँ पर जनरेटर ऑन किया गया है ना ही यहाँ पर लाइट है। अब ये जो फैन घूम रहा है ना यहाँ पर, वो ये जो फैन ये जो एटमोसफियर अभी चल रहा है ना, ये जो काफ़ी बहुत ज़्यादा हवा आ रही है उसकी वजह से अभी ये फैन घूम रहा है यहाँ पर। मजा आ रहा है ठंडी ठंडी हवा में, हमारे टोमी को ना ठंडी ठंडी हवा में बहुत ज्यादा मजा आता है दोस्तों। ये देखिए टोमी यहाँ पर देखिए ये क्या बना दिया है भाई, टोमी के लिए देखिए क्या बनाया है यहाँ पर। अबे ये क्या हो रहा है, टोमी तो इसमें सो गया है, अभी देखिए टोमी को इसमें सुला दिया है, अब इसमें झूला झूल रहा है। ये गाइस टोमी न पापा टपी हमड़ा आवसे, टोमी नी मम्मी जेनी हमड़ा आवसे, इना दोस्तारू ने ले आईसे पसी तेरा रन से, टोमी मारो हालू लुलू रे। गाइस ये देखिए टोमी को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। सो गाइस डिनर में है मटन और रोटी। सो गाइस आज का व्लॉग रहता हमारे यहीं तक का, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।